आप लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से हो गया ये सब? अरे भैया, इतनी आसानी से अगर हो गया होता तो फिर बात ही क्या थी। तो ये बात है कुछ 25 से 30 दिन पहले की। अपने सोच तो लिए कि भाई एक पप्पी घर पे लेके आना है, और बहुत सारी छानबीन और रिसर्च के बाद हम लोगों ने सोचा कि रॉटवीलर लेके आते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा अड़चन जो था वो ये था कि मम्मी और पापा को कैसे मनाएं, और मम्मी और पापा को मनाने वाला था मेरा भाई जिसने ये पूरी की पूरी चिंगारी लगाई। तो उसी से पूछते हैं भाई कि मनाया कैसे उसने। पहले तो मम्मी ने बोला कि जो करना करो, खुद ही करना, खुद ही देखना, मैं तो नहीं देखने वाली। मैंने कहा ठीक है। पापा ने कहा पहले तो देखा अच्छे से मेरे को। फिर पापा ने बोला कि और बता दो क्या क्या है, आज मीटिंग बैठेगा, तुम्हारे एक चीज़ बताएगा अपना, क्योंकि ऐसे तो बीच बीच में तेरा कुछ ना कुछ दौरा पड़ता रहता है, अब कुत्ता चाहिए, तो तू आज बताएगा, उसके बाद अगर कुछ बोला ये कुत्ते के बाद तो तेरा मेरा रिश्ता अलग। तो रॉड व्हीलर ढूंढने के चक्कर में हमारी बात अलग अलग जगहों से होने लगी। पंजाब, बनारस, कोलकाता, झरिया, रांची, बोकारो में मैं रहता हूँ भाई, और बोकारो में तो ऑप्शन था ही नहीं। इन सभी जगहों पे फॉलो अप करते करते 30 दिनों तक हमें पप्पी तो नहीं मिला, मिला बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। और भाई बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर तारीख मिलने के बाद भी हमें मिल गया होता तो कोई बात ही नहीं थी। इसके बाद भी हमें मिले अजीबोगरीब बहाने, और उनमें से कुछ बहाने कुछ ऐसे थे कि भैया पप्पी जो है निकल चुका है पंजाब से, अब बस बनारस पहुंच गया। अब बनारस भैया क्यों पहुंचा है वो वही जानते हैं। इसके बाद कुछ ने ये कहा कि भैया पप्पी हमारे पास पहुंच तो गया है, बट उसका पेट ख़राब है, अभी ठीक हो जाएगा तो आपको दे देंगे, और पेट भैया अभी तक ठीक नहीं हो पाया। फिर किसी ने तो हद ऐसी की कि उसने कहा कि हम लोगों ने दो लोगों को भेजा था, एक को भेजा था कुत्ता और दूसरे को भेजा था बिल्ली, और हमारे को जो रॉट व्हीलर भेजना था उसके जगह बिल्ली पहुंच गया। तो वो कहने लगा भाई कि बिल्ली पहुंच चुका है, लेना चाहते तो ले लो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और भाई साहब, जहाँ 30 दिनों तक मेरा भाई लक आजमा रहा था, वहाँ सोचे कि हम भी अपना लक आजमा लेते हैं। तो फिर भाई मैंने भी ढूंढना चालू किया, इधर उधर अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, तो फिर पता चला कि एक मेरा फ्रेंड है जो रांची में है, उसी का एक दोस्त है जिसके डॉगी ने जो है पप्पीज दिए, और वो रेडी है देने के लिए अगर कोई अच्छा इंसान मिले उसे अडॉप्ट करने के लिए। तो फिर मैंने कहा भाई चलो मिलते हैं इनसे, और अगर वो रेडी है तो ले आते हैं। अपना केस तो भाई यही था कि मरता क्या नहीं करता। फटाफट भाई अगला दिन सोच लिए कि जाएंगे रांची और लेके आते हैं। तो अब आगे की कहानी कि कैसे उसको रांची से यहाँ तक लाएं, वो देखिए रांची के जर्नी में। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, अभी हम लोग जा रहे हैं रांची, और जा रहे हैं हम लोग डॉगी लेने के लिए। तो भैया बात हम लोग इनकी कर रहे हैं, इनका नाम वैसे सूरज है बट झारखंड में ये गुलाब जामुन के नाम से प्रसिद्ध है, और इनको ले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये कुत्तों के बारे में ना बहुत बड़े जानकार हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, ये तो मिलाते हैं इनको भी आपसे। तो भैया गुलाब जामुन देखिए आ रहे हैं अभी, अभी हम लोग को करना है एक ऑटो बुक और सीधे चले गए रांची। गुलाब जामुन नहीं है, मेरा पोमेरियन है। अरे ये मेरा हैरियर, अभी हम लोग चलेंगे इसी से ऑटो। भैया नया मोड़, अरे चलो यार भाई आगे बैठ जाओगे क्या, तीन लोग हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अबे भाई, ओह मार्गदर्शक एसी वाला क्या तुरंत मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, सब एक ही टाइम में, दो अढ़ाई बजे के बाद मिलेगा। ये कब खुलेगा? 1:55 में खुलेंगे। हाँ, पौने 5 बजे बूथ में। 1:55
1:55 में खुल जाएगा ये, तो चलो इसी में चलो, आने टाइम इसी में चलेंगे। अभी तो चक्का के ऊपर है पूरा। तो गाइस रामगढ़ से फिर हम लोग बस चेंज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं रांची। केना बन गया यहाँ का? हाँ भैया 4,000 दिए है ना स्टेशन का ना। अजब हालत है जब से। अच्छा मेरा हालत क्या भैया, आप तो स्टेशन ही ना जाना है। तभी ना पैदाइश के पहले तब रांची आ जा रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं? वही नाम कह रहे हैं। चलिए थैंक यू, मज़ा आया है आपके गाड़ी में। तो भाई शाम के बज गए हैं 5-4 घंटे हम लोग को हो गए घर से निकले हुए, और फाइनली द मोमेंट इज़ हेयर। जिनके पास अभी है वो अभी लेके आने वाले हैं। तो गाइस फाइनली जो लेने आए थे हम लोग वो ले चुके हैं और हमारे भाई साहब के हाथ में है। और क्या मोमेंट था भाई साहब। फिर उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वैक्सीनेशन वगैरह, उन सब की जानकारी के लिए उनको एक पेट शॉप पे लेके गए हम लोग। और ये पॉपुलैरिटी देख के भाई हम भी जेलस हो गए। हाँ तो भैया फाइनली हम लोग पहुंच गए बोकारो। 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है, 7-8 बजे के आसपास वहाँ से निकले थे। वैसे घर से निकले थे 1 बजे और 11 अभी बच गया है। तो अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा के आसपास निकाल दें तो बाकी 1 से 8 बजे तक लग रहा है जो है हम लोग बस में ही थे। धीरे। तो भैया हम पहुँच चुके हैं घर, और जब तक ये खाना खा रहा है तब तक आप लोगों को छोड़े जाते हैं कुछ अच्छे मोमेंट्स के साथ 120 FPS स्लो मोशन में। क्योंकि कहा जाता है कि भाई हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो जितना धीमे धीमे और लेट से गुजरे उतना ही अच्छा है। तो आप भी आनंद उठाइए इसका।